नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के तहत सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर जियो न्यूज को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। ट्रंप के सामने मोदी की दो टूक, कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा, किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं। फ्रांस में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक हुई। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान के साथ मुद्दे द्विपक्षीय हैं, इसके लिए हमें किसी अन्य देश की जरूरत नहीं है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से मेरी बातचीत हुई है और पाकिस्तान भारत के मुद्दे द्विपक्षीय हैं, दोनों देश आपस में बातचीत से मुद्दे सुलझा लेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात की। कोर्ट के कटघरे में चिदंबरम, सीबीआई की हिरासत 5 दिन बढ़ाने की मांग। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता पी चिदंबरम इन दिनों INX मीडिया मामले में जांच एजेंसियों के शिकंजे में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने के बाद सीबीआई ने चिदंबरम को हिरासत में लिया। अदालत द्वारा मिली कस्टडी आज खत्म हो रही है। चिदंबरम से जुड़ा हुआ मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, जहां अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी है। बूम बूम बुमराह ने बनाया ऐसा रिकॉर्ड जिसके लिए तरसता है हर गेंदबाज। भारत के यॉर्कर मैन जसप्रीत बुमराह ने 7 रन देकर 5 विकेट की तूफानी गेंदबाजी के दम पर पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन ही वेस्ट इंडीज को 318 रनों से करारी मात दी। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में वह 1-0 की बढ़त बना ली है और अपने पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 60 अंक हासिल कर लिए। कम रन देकर ज्यादा से ज्यादा विकेट लेना किसी भी गेंदबाज का सपना होता है। 25 साल के जसप्रीत बुमराह एंटीगा टेस्ट में ऐसी ही उपलब्धि हासिल करने में कामयाब रहे और बड़ा कीर्तिमान रच डाला। बुमराह सबसे कम रन देकर टेस्ट की एक पारी में 5 या इससे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए। बुमराह से पहले यह रिकॉर्ड वेंकटपति राजू के नाम था, जिन्होंने 1990 में श्रीलंका के खिलाफ चंडीगढ़ में 12 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। मजबूत विदेशी संकेत और घरेलू वायदा में तेजी से 40,000 के पार पहुंचा गोल्ड। मजबूत विदेशी संकेतों और घरेलू वायदे में आई तेजी से सोमवार को देश के सर्राफा बाजार में सोना रिकॉर्ड ऊंचाई को छूते हुए 40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर बिकने लगा। सोना पहली बार 40,000 के पार पहुंचा है। बीजेपी नेताओं के निधन पर साध्वी प्रज्ञा को शक, विपक्ष कर रहा मारक शक्ति का इस्तेमाल। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने शंका जाहिर करते हुए कहा कि विपक्ष बीजेपी नेताओं पर मारक शक्ति का उपयोग का इस्तेमाल कर रहा है, जिस कारण उनकी असमय मृत्यु हो रही है। मोदी ट्रंप की मुलाकात के बाद कश्मीर पर आज पाकिस्तान को संबोधित करेंगे इमरान खान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया के कई मुल्कों के आगे इस मसले में दखल देने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर जगह से उनकी झोली खाली ही रहती है। अब एक बार फिर इस मामले को चर्चा में लाने के लिए इमरान खान अपने देश को संबोधित करने वाले हैं। सोमवार को शाम 5:30 पर इमरान खान कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को संबोधित करने वाले हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की स्पेशल एडवाइजर ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी कि शाम 5:30 कश्मीर मसले पर इमरान खान पाकिस्तान को संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले इमरान खान इस मसले पर पाकिस्तानी संसद, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की विधानसभा को भी संबोधित कर चुके हैं। IT सेक्टर पर मंदी का असर नहीं, रिकॉर्ड संख्या में मिली नौकरियां। अप्रैल से जून की तिमाही में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में रिकॉर्ड 85,000 नई नौकरियां दी गई हैं। पिछले 6 साल में यह IT इंडस्ट्री द्वारा किसी एक तिमाही में दी गई सबसे ज्यादा नौकरियां हैं। अखिलेश का मोदी सरकार पर तंज, बोले हमारी अर्थव्यवस्था से बांग्लादेश बेहतर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है, ये प्रदेश हत्या प्रदेश बन चुका है, इन्वेस्टर समिट पर ढिंढोरा पीटा जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए लेकिन सब बेकार साबित हुए हैं। अर्थव्यवस्था की हालत पर अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का टका हमारे रुपए से ज्यादा मजबूत हो चुका है,
पड़ोसी बांग्लादेश की व्यवस्था हमसे बेहतर हो रही है, हमारी अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। लोकतंत्र की परिभाषा, प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई और आयकर विभाग में ढूंढी जा रही है। मायावती के साथ गठबंधन पर अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्होंने हमारे गठबंधन को सहयोग किया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गठबंधन को सहयोग के बिना हमें सफल नहीं होते। सपा बसपा के जिन साथियों ने चुनाव में मदद की थी उन्हें धन्यवाद देता हूँ। जब हमने अमीर लोगों पर टैक्स की बात की थी तब क्या कहा गया था, अब सरकार वही कर रही है तो लोग चुप हैं।